कांग्रेस के संसद मैंबर राहुल गांधी लोकसभा में विरोधी धिर के नेता होंगे। दस दिए कि कांग्रेस के जनरल सकत्तर के सी वेणुगोपाल ने उन्हों की नियुक्ति का ऐलान किया। जिक्रयोग है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक च राहुल गांधी ने लोकसभा च विरोधी धिर का नेता बनाने का प्रस्ताव किया गया, जिस तो राहुल गांधी का कहना है कि वह इस पर अजे विचार करेंगे। तो हूँ कांग्रेस ने उन्हों की नियुक्ति का अधिकारित ऐलान जो कर दिता है। दस दिए कि इस दौरान राहुल गांधी जड़े ने वह संसद के पहले सैशन च सरकार ते लगातार तंज कसते हुए भी नज़र आए। दस दिए कि जिते कांग्रेस नेता ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के संविधान पर हमला करने का दोष लगाया। उन्हें कहा है कि विरोधी धिर प्रधानमंत्री नूं बिना जवाबदेही तो बचन नहीं देवेगी। कांग्रेस के संसद मैंबर राहुल गांधी लोकसभा में विरोधी धिर के नेता होंगे। दस दिए कि कांग्रेस के जनरल सकत्तर के सी वेणुगोपाल ने उन्हों की नियुक्ति का ऐलान किया। जिक्रयोग है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक च राहुल गांधी ने लोकसभा जो विरोधी धिर का नेता बनाने का प्रस्ताव किया गया, जिस तो राहुल गांधी का कहना है कि वह इस पर अजे विचार करेंगे। तो हूँ कांग्रेस ने उन्हों की नियुक्ति का अधिकारित ऐलान जो कर दिता है। दस दिए कि इस दौरान राहुल गांधी जड़े ने वह संसद के पहले सैशन च सरकार ते लगातार तंज कसते हुए भी नज़र आए। दस दिए कि जिते कांग्रेस नेता ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के संविधान पर हमला करने का दोष लगाया। उन्हें कहा है कि विरोधी धिर प्रधानमंत्री नूं बिना जवाबदेही तो बचन नहीं देवेगी। कांग्रेस के संसद मैंबर राहुल गांधी लोकसभा में विरोधी धिर के नेता होंगे। दस दिए कि कांग्रेस के जनरल सकत्तर के सी वेणुगोपाल ने उन्हों की नियुक्ति का ऐलान किया। जिक्रयोग है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक च राहुल गांधी ने लोकसभा च विरोधी धिर का नेता बनाने का प्रस्ताव किया गया, जिस तो राहुल गांधी का कहना है कि वह इस पर अजे विचार करेंगे। तो हूँ कांग्रेस ने उन्हों की नियुक्ति का अधिकारित ऐलान जो कर दिता है। दस दिए कि इस दौरान राहुल गांधी जड़े ने वह संसद के पहले सैशन च सरकार ते लगातार तंज कसते हुए भी नज़र आए। दस दिए कि जिते कांग्रेस नेता ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के संविधान पर हमला करने का दोष लगाया। उन्हें कहा है कि विरोधी धिर प्रधानमंत्री नूं बिना जवाबदेही तो बचन नहीं देवेगी। कांग्रेस के संसद मैंबर राहुल गांधी लोकसभा में विरोधी धिर के नेता होंगे। दस दिए कि कांग्रेस के जनरल सकत्तर के सी वेणुगोपाल ने उन्हों की नियुक्ति का ऐलान किया। जिक्रयोग है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक च राहुल गांधी ने लोकसभा च विरोधी धिर का नेता बनाने का प्रस्ताव किया गया, जिस तो राहुल गांधी का कहना है कि वह इस पर अजे विचार करेंगे। तो हूँ कांग्रेस ने उन्हों की नियुक्ति का अधिकारित ऐलान जो कर दिता है। दस दिए कि इस दौरान राहुल गांधी जड़े ने वह संसद के पहले सैशन च सरकार ते लगातार तंज कसते हुए भी नज़र आए। दस दिए कि जिते कांग्रेस नेता ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के संविधान पर हमला करने का दोष लगाया। उन्हें कहा है कि विरोधी धिर प्रधानमंत्री नूं बिना जवाबदेही तो बचन नहीं देवेगी। कांग्रेस के संसद मैंबर राहुल गांधी लोकसभा में विरोधी धिर के नेता होंगे। दस दिए कि कांग्रेस के जनरल सकत्तर के सी वेणुगोपाल ने उन्हों की नियुक्ति का ऐलान किया। जिक्रयोग है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक च राहुल गांधी ने लोकसभा च विरोधी धिर का नेता बनाने का प्रस्ताव किया गया, जिस तो राहुल गांधी का कहना है कि वह इस पर अजे विचार करेंगे। तो हूँ कांग्रेस ने उन्हों की नियुक्ति का अधिकारित ऐलान जो कर दिता है। दस दिए कि इस दौरान राहुल गांधी जड़े ने वह संसद के पहले सैशन च सरकार ते लगातार तंज कसते हुए भी नज़र आए। दस दिए कि जिते कांग्रेस नेता ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के संविधान पर हमला करने का दोष लगाया। उन्हें कहा है कि विरोधी धिर प्रधानमंत्री नूं बिना जवाबदेही तो बचन नहीं देवेगी।